हेलो स्टूडेंट्स लेट्स कंक्लूड द लेशन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो ये हम लोगों का फोर्थ और लास्ट क्लास होगा द एडवेंचर्स ऑफ़ टोटो का हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा पिछले थ्री क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैसे रशकिन बॉन्ड के ग्रैंड फादर ने टोटो तो तो को टोंगा ड्राइवर से ख़रीदा हाउ ही वॉज केप्ट इन होम एंड वट वॉज द प्रॉब्लम दैट ही क्रिएटेड ओवर देयर

कि जब फाइनली एंड फाइनली वन डे इट हैपन दैट शी केम टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ टोटो इन हाउस सो टोटो व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टल तो नरेटर हम लोगों को बता रहे हैं कि व्हेन टोटो वाज फाइनली जब ग्रैंड मदर जान गई वैन शी केम टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ टोटो इन होम तो उसे कम्फर्टेबल प्लेस दिया गया कहाँ पे इन द स्टेबल यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको स्टेबल वर्ड जो होता है स्टेबल ऐसे पर्सन के लिए भी यूज़ बहुत सारे सेंस में यूज़ किए जाते हैं तो एक स्टेबल अगर कोई पर्सन बहुत ही फिकल uh, माइंडेड नहीं है उसके लिए भी यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पे स्टेबल यूज़ हुआ है एक बिल्डिंग के सेंस में जहाँ पे हॉर्सेस uh, को और अदर हॉर्सेस को बेसिकली रखा जाता है तो टोटो को वहाँ पे रखा गया वेयर ही हैड फॉर कंपेनियन जहाँ पे उसको कंपनी देने वाले कौन थे द फैमिली डंकी नाना उसका नाम क्या था डंकी का नाना ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल वेन ही वॉज गिवेन अ प्लेस कंफर्टेबल प्लेस इन द स्टेबल नरेटर्स ग्रैंड फादर हुईज नरेटर रश्किन बॉन्ड उसके ग्रैंड फादर देखने गए कि वो वहाँ पे अच्छे से और कम्फर्टेबल है कि नहीं बट वेन हीज ग्रैंड फादर रिचड ओवर देयर टू हिज सरप्राइज जब वहाँ पे पहुँचे उन्होंने देखा कि नाना कौन जो डंकी था विदाउट एपरेंट कॉज उनको कुछ पता नहीं चला लेकिन वो क्या कर रहा था कि विदाउट एनी अपरेंट कॉज वो क्या कर रहा था पुलिंग एट हर हॉल्टर हॉल्टर यानी यहाँ पे आप यूज़ करते हैं हम लोग हॉल्टर ए स्ट्रैप और लूप प्लेसड अराउंड द हेड ऑफ अ हॉर्स और अदर एनिमल जो रस्सी लगाई रहती है एनिमल के चारों तरफ तो उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था कि वट वॉज द रीज़न ऑफ बिहेविंग नाना लाइक दैट लेकिन वो पुल पुल कर रहा था ओके एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज़ फार एज़ पॉसिबल फ्रॉम बंडल ऑफ है और कोशिश कर रही थी डंकी क्या यहाँ पे हर है इसलिए फीमेल तो वो कोशिश कर रही थी वहाँ पे बंडल ऑफ हे रखा हुआ था उसके खाने के लिए हे ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ड्राई ग्रास वो उससे दूर भाग रही थी ग्रैंडफादर ने क्या किया ग्रैंड फादर गेव नाना अ स्लैप एकरस हर हॉन्चेज हॉन्चेज मीन्स बैक उसके बैक पे एक स्लैप uh, uh, किया उसको हिट किया टू स्टॉप टू स्टॉप हर डूइंग सो एंड शी जर्कड बैक वह पीछे की तरफ मुड़ी और साथ ही साथ उसके साथ और कौन आया ड्रैगिंग टोटो विथ हर सो नाउ ग्रैंड फादर केम टू नो वाट वॉज द रेस्टलेसनेस बिहाइंड नानास रेस्टलेसनेस ही हेड फास्ट एंड ऑन उन्होंने क्या देखा कि ये जो टोटो था टोटो जो था वो उसे परेशान कर रहा था ही हेड फास्ट एंड ऑन टू ह लॉन्ग ईयर्स विथ हि शार्प लिटल डेथ उसके कानों को पकड़े हुए था एंड इट वॉज द रीजन ऑफ नानाज रेसलेसनेस नाउ नरेटर्स इन फॉर्मस डैट कि हम लोगों को बताते हैं कि टोटो जो था टोटो एंड नाना बिकॉज ऑफ टोटोजी मिस्चीवियस नेचर वो लोग कभी भी फ्रेंड नहीं बन पाए अब आते हैं टोटो के लिए ट्रीट क्या था अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज़ बाथ नाउ नरेटर इज सिंक कि विंटर सीजन में टोटो के लिए क्या ट्रीट था uh, उसे वार्म वाटर दिया जाता था ठीक है लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवेन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड और टोटो क्या करता पहले तो वो क्या करता टेस्ट करता टेम्परेचर को कैसे कैसे वो पता करता कि टेम्परेचर क्या है वुड कनिंगली टेस्ट देशर विथ हिज हैंड पहले हाथ से उसको टेस्ट करता देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ धीरे धीरे वो पैर रखता फर्स्ट वन फुट देन ददर इनफैक्ट ही इमिटेट्स वह किसकी नकल करता था किसको ऐसे करते हुए देखता था नरेटर को एंड Uh, he just behaved in that way as he had seen me yahan par me kisko refer kar raha hai narrator ko until he was into the water up to his neck jab tak wo puri tarah se apne aap ko dip nahi karta until up to the neck only okay next once comfortable एक बार जब आराम से वो बैठ जाता उस warm water में once comfortable. वो क्या करता ही वुड टेक द शोप इन हीज़ हैंड वह क्या करता हाथ में सोप ले लेता ही वुड टेक द शोप इनज़ हैंड्स और फीट एंड रब हीम सेल्फ ओवर और पूरा सोप को ही जस्ट रब्ड द शोप ऑल ओवर हिज बॉडी वेन द वॉटर बिकेम कोल्ड और जब थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर कम होता लो होता पानी पानी ठंडा होता ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता वह बहुत तेजी से जितनी तेजी से ही कुड रन केम आउट ऑफ द दॉट ही केम आउट ऑफ द वॉटर एंड रन टू वर्ड्स द किचन एज फास्ट एज ही कुड वाट फॉर किस लिए वह उतनी तेजी से निकल के जाता था इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ खुद को ड्राई करने के लिए इफ़ एनी वन लाफ डैट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस और अगर उस समय उसको देख के कोई हंसता उसको ऐसा करते हुए देख के अगर कोई हंसता तो वो क्या करता ही परफॉर्मेंस टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट टोटो फीलिंग्स वुड बी हर्ट वह गुस्सा हो जाता एंड ही वॉज रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बात और वो तब क्या करता वह नहाने नहीं जाता था वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव नाउ नेरेटर इज सिंह कि एक दिन ऐसा हुआ कि लगभग लगभग टोटो ने अपने आप को वार्म वाटर में बॉईल कर ही लिया था हो जाता बट ही वॉज सेव्ड हाउ सी इनफैक्ट वॉट हैपन्ड अ लार्ज किचन केटल हैड बिन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एक बड़ा सा केटल रखा हुआ था किचन केटल और आग पे रखा हुआ था टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू और टोटो को और उस समय कुछ काम था नहीं सो हिज ब्रेन वॉज एम्पटी एट दैट टाइम ओके और उसने सोचा कि अभी कुछ करने के लिए तो है नहीं तो उसने क्या किया डिसाइडिड टू रिमूव द लिड उसने उस केटल से लिड को हटाया यानी उसके कवरिंग को हटाया और उसने क्या पाया फाइंडिंग द वॉटर जस्ट वॉर्म इनफ फॉर अ बाथ और उसने देखा कि अरे ये पानी तो इतना गर्म है कि आराम से वो नहा सकता है वो उसमें चला गया केटल में बैठ गया हो सकता है केटल बड़ा हो इस साइज का हो कि वो उसे आराम से उसमें आराम से जा सकता था ही गॉट इन विथ हिज़ हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल उसके हाथ बाहर निकले हुए थे दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अइल कुछ समय तक तो ये ठीक रहा मीन्स ही वॉज़ कम्फर्टेबल ऑन दैट टेम्परेचर अंटिल द वॉटर बिगेन टू बॉयल लेकिन वो कम्फर्टेबल कब तक रहा जब तक पानी पूरी तरह से बॉयल नहीं होने लगा टोटो देन रेज अ लिटल बेट उसने थोड़ा सा उसने अपना सिर उठाया ओके बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड लेकिन उसे बाहर ठंड लगी तो उसने क्या किया वो फिर से बैठ गया सेट डाउन अगेन ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन अब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा ही स्टार्टेड टू जम्प ही ट्राइड टू कम आउट ऑफ द कैटल बट फेल्ड टू डू सो सी इनफ फॉर टू बॉयल वाटर अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल टोटो देन रेज टोटो देन रेज हिमसेल्फ अलिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड हम लोगों ने देखा कि उसने कोशिश की उठने की लेकिन बाहर देखा कि मतलब uh, वो वाटर के जब उसने अपने आप को बाहर थोड़ा सा निकाला तो ही फेल्ट कोल्ड एंड अगेन ही डिसाइडेड टू स्टे ओवर देयर कुछ देर तक तो कंफर्टेबल रहा लेकिन उसके बाद वेन दॉटर स्टार्टेड टू बॉइल ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन वो जम्प करने लगा फॉर समाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम जब तक कि वेन द वॉटर बिगेन टू बॉइल ही मदर हु सेव्ड हिम हॉल्ड हिम ओके हाफ बॉइल्ड हॉल हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल नाउ देन एरेटेड इट सिंक कि अगर हम लोगों के ब्रेन में कोई पार्ट है जो स्पेशली किस लिए बना हुआ है टू डू मिस चीफ तो टोटो के ब्रेन का वो जो पार्ट था वो लार्जली डिवेलप उसका बहुत ज़्यादा डिवेलप था सी वॉट इज इट इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ़ द ब्रेन स्पेशली डिवोट टू मिस चीफ अगर नरेटर इज सिंग कि अगर हम लोग के ब्रेन में कोई भी ऐसा पार्ट है जो स्पेशली इसीलिए मतलब मिस चीफ के लिए डिवोटेड है तो वो पार्ट टोटो के ब्रेन का सबसे ज्यादा डेवलप पार्ट था क्यों नरेटर ऐसा कहते हैं बिकॉज ही वॉज ऑलवेज इन्वॉल्व इन डूइंग सच टाइप्स ऑफ थिंग्स ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस हमेशा उसकी हैबिट थी कि वह चीज़ों को फाड़ने की कोशिश करता था जैसा हमने पहले फर्स्ट क्लास में देखा था कि वेन टोटो वॉज हिडन तो उसने क्या किया था नरेटर के ब्लेजर को टर्न कर दिया था वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल एन इट और ऐसा हमेशा होता कि जब भी नरेटर की आंट्स उसके पास से गुजरती तो वो क्या करता ड्रेसेस को फाड़ने की कोशिश करता वन डे ऐट लंच टाइम एक दिन ऐसा हुआ कि लंच टाइम के समय में वनडे ऐट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन देंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल डरेक्टर इज टेलिंग फॉर्मिंगस की लंच के समय एक दिन ऐसा हुआ कि लंच टाइम में पुलाव रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पर वी जब ये लोग वी एंटर्ड वी मीन्स नायरेटर अलॉन्ग विथ हिज ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर जब वो लोग रूम में एंटर किए तो उन्होंने क्या देखा टोटो फाइंड रूम टू फाइंड टोटो टू स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस उन लोगों ने देखा इनफैक्ट स्टफिंग इज़ नॉट द ग्रेसफुल वे ऑफ ईटिंग समथिंग बहुत तेज़ी से वो क्या कर रहा था पुलाव को खा रहा था माय ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड जब ग्रैंड मदर ने ऐसा देखा स्क्रीम्ड मीन्स व्हेन वी शाउट एट द टॉप ऑफ आवर वॉइस जब आप बहुत ज़ोर से चीखते चिल्लाते हो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ को देखकर शॉकिंग एंड टोटो थ्रू अ प्लेट ओ एट हर तब टोटो ने क्या किया उनके ऊपर एक प्लेट फेंक दिया वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड हमारी नरेटर ये सही कि उनकी एक आंट जो थी वो आगे बढ़ी एंड रिसीव्ड और उस उनको क्या किया टोटो ने रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस उनके चेहरे पर टोटो ने क्या फेंक दिया ग्लास वेन ग्रैंड फादर अराइव्ड जब नायरेटर्स के ग्रैंड फादर है वैन नादर अराइव्ड ओवर द सीन टोटो पिकडअप द डिश ऑफ पुलाव उसने वो पुलाव का डिश उठाया एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो और वहाँ से वो कहाँ निकल गया खिड़की से बाहर निकला और वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री जैक फ्रूट आप जानते होंगे इट्स अ टाइप ऑफ वेजिटेबल्स कटहल को बोलते हैं इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड वो वहाँ पर जाके बैठ गया द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स और अभी भी वो डिश यानी क्या डिश पुलाव को रखे हुए था ही रिमेंड देर ऑल आफ्टरनून वहीं पर वो बैठा रहा पूरे दोपहर इटिंग स्लोली थ्रू द राइस और वो खाते रहा डिटरमिंट ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन ऐसा लग रहा था कि ही हैज़ डिटरमिट ही हैज़ डिसाइडेड टू जस्ट फिनिश एवरी ग्रेन ऑफ द प्लाओ एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड एस्क्रीम्ड एट हिम और ऐसा लगा कि उनको और एनवाइड करने के लिए उसने क्या किया वो हैड डेट हिम जो शुरू में उसको देख कर चिल्लाई थी ही थ्रू उसने क्या किया ही थ्रू द यू एंड एक्सक्यूज मी ही थ्रू ही थ्रू द द डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटेड विथ डिलाइट वेन वी वेन इट ब्रोक इन टू हंड्रेड पीसेस उसने आफ्टर फिनिशिंग द फिनिशिंग एवरी ग्रेन

ठीक है सो नेरेटर इज सेंग वी वर नॉट वेल टू डू एंड कूड नॉट एफ द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डीसीज क्लोथ्स कर्टिन्स एंड वॉलपेपर इट मीन्स वॉट नरेटर हैज जस्ट नरेटर हैज़ गिविन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट हैड बीन डैमेज बाई टोटो सो नरेटर वॉज टेलिंग नरेटर इज टेलिंगट देर नॉट दैट मच रिच कि वो लोग बार बार फ्रिक्वेंट लॉसेज मतलब क्या बार बार इस लॉस को टॉलरेट कर सकते थे सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर सो फाइनली वॉट डि ग्रैंड फादर डेड सो सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम तो जैसे खरीदा था उसे फिर से उसने उन्होंने उसे बेच दिया किस को टोटो को एंड दिस टाइम हाउ मच मनी और कितने में बेचा फॉर ओनली थ्री रुपीज़ यू माइट हैव रिमेम्बर खरीदा था कितने में ग्रैंड फादर ने टोंगा ड्राइवर से ग्रैंड uh, फादर ने टोंगा ड्राइवर से टोटो को खरीदा था फाइव रुपीज़ में और उसे दिया था कितने में ओनली थ्री रुपीज़ ओके स्टूडेंट्स थैंक यू